वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है लॉन्ग हेयर की। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि लॉन्ग हेयर कैसे होंगे, कौन सा ऑयल आप यूज़ करोगे, ऑयल लगाने का सही तरीका, मसाज करने का सही तरीका और साथ ही साथ कौन सा फॉर्म आप यूज़ करोगे जिससे कि आपके हेयर कम झड़ेंगे। तो सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाने वाला है। हाँ, पूरा फुल पैकेजिंग है, तो बिल्कुल लास्ट तक देखना, बिल्कुल मिस मत करना गर्ल्स और बॉयज भी। तो गाइज आज के डेट में लॉन्ग हेयर कौन नहीं चाहता, वर्किंग वूमन हो या हाउस वाइफ हो, लेकिन लॉन्ग हेयर होना मुश्किल है। इसलिए है क्योंकि वर्किंग वूमन भी बिजी रहती है और हाउस वाइफ भी बिजी रहती है। उन्हें तो अपने खाने पीने का वक्त नहीं मिलता, तो वो अपने हेयर की ग्रोथ के लिए इतनी सारी रेमेडी और इतनी सारे जतन कैसे करेगी। तो मैं आपको बहुत ही ईजी तरीका इस वीडियो में बताऊंगी। आपको अपने लाइफ के सिर्फ 5 मिनट देने हैं। जी हाँ, आपको हफ्ते में 2 बार बस 5-5 मिनट अपने हेयर पे देने हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी आपको करना क्या है वो 5 मिनट में, जिससे कि आपके हेयर के सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे और आप भी रख सकते हैं लॉन्ग हेयर, हेल्दी हेयर, स्मूथ हेयर। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ऑयल बहुत ज़रूरी होता है गाइस, क्योंकि ऑयल ही बेस होती है आपके जड़ों के लिए, जो कि आपके हेयर में जाकर आपके हेयर की ग्रोथ को बढ़ाती है। लेकिन मैं यही बोलती हूँ कि ऑयल लगाना काफ़ी नहीं होता है, ऑयल के तरीके जानना बहुत अच्छी जरूरत की चीज़ होती है। क्योंकि जब तक आप तरीके नहीं जानोगे ना, ऑयलिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है गाइस। तो सबसे पहले ऑयल का चयन करें। तो ऑयल ऐसा यूज़ करें जिसमें कोकोनट, बादाम, ये सब की गुण हो। तो मैं तो आपको यही राय दूंगी कि ये मैं पैरासूट कोकोनट ऑयल मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैं ये यूज़ करती हूँ। आप एक बादाम भी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बेटर लगता है अपने हेयर के लिए, ये ऑल टाइप हेयर के लिए, क्योंकि इसमें कोकोनट के गुण है। जी हाँ, कोकोनट के गुण है, ये हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है, तो इससे आप यूज़ कर सकते हो। इसी ऑयल से ही आपको बताऊँ कि आप किस तरह से ऑयलिंग करो, ऐसा ऑयलिंग करो जिससे ऑयल का आपको फ़ायदा भी मिल सके ना, तो मैं आपको ये वीडियो बताऊँगी। तो गाइज सबसे पहले जब आप ऑयलिंग करने वाले हो तो आप अपने हेयर को ओपन करो। सबसे पहले पार्टीशन कर लें। पार्टीशन करने से क्या होता है ना, पार्टीशन करने से आपके हेयर की जो आप ऑयलिंग करते हो, अच्छे से ऑयलिंग होती है और हेयर कम झड़ते हैं। जी हाँ, ये ऑयल का बेसिक थिंक है, आपको अपनाना पड़ेगा। तो आप यदि बीच मांग रहा तो बीच मांग लो, साइड भी आप फाड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो पार्टीशन करके दोनों तरफ आपको हेयर को आगे कर लेना है। सबसे पहले जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आप कॉम्ब करो। कॉम्ब करने के लिए आप नॉर्मल कॉम्ब जो यूज करते हो वो यूज ना करो, आप मोटे दांत वाले कॉम्ब यूज करो। रीजन ये होता है मोटे दांत वाले कॉम्ब यूज करने का, क्योंकि इससे आपके हेयर कम झड़ते हैं, इसमें आपके हेयर कम फंसते हैं और उलझते भी कम है और सारी गुण सॉल्व हो जाती है। तो सबसे पहले आपने हेयर को अच्छे से कॉम करो। जी हाँ, हेयर को कॉम आप मोटे दांत वाले से ही करो, तो इससे आप कॉम करोगे तो सारे पहले गुण को आप सुलझा लो। तो बेसिक यही है कि आपको अपने हेयर के गुण को सुलझा लेना है, मोटे वाले कॉम से ही अच्छे से सुलझेंगे, बाल कम टूटते हैं। तो बस इस तरीके से आपको अपने हेयर को पूरी तरह से सुलझा लेना है, गूंद वाले हेयर पे ऑयलिंग करना शुरू मत करना प्लीज। तो गाइस उसके बाद हम कोकोनट ऑयल या आप अपने फेवरेट ऑयल ले सकते हैं जिसमें बादाम या कोकोनट के ऑयल हो, ठीक है। तो इसको फिर मैं इस तरीके से ले लूंगी। तो ये जो कोकोनट ऑयल मैं यूज कर रही हूँ, पैरासूट कोकोनट ऑयल 100% कोकोनट ऑयल है। ये जो मैं पैकेजिंग दिखा रही हूँ 300 ml का है और इसका प्राइस 128 rupees है। ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाएगा, यदि ऑनलाइन परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। और मैं साथ में एक बादाम तेल का भी दे दूंगी, जिसका आप जाके चेकआउट कर लेना। तो गाइस मैंने ऑयल ले लिया और इस तरह से दोनों हाथों में मिक्स कर लिया है, देख सकते हो पूरी। और ये बहुत ही ज़्यादा टिकी नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा चिकी भी नहीं होती, जो कि आपके हेयर के लिए फायदेमंद है। तो गाइस अब हम पहला पार्टीशन में इस तरीके से यूज करेंगे। तो मैं जैसे बता रही हूँ इस पंजों को इस तरह से फैला लेना है और इस तरीके से आपको ऑयलिंग करनी है। ऑयल इससे ना अंदर अच्छे से घुस जाती है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। और फिर इसके बाद आपको नीचे तरफ इसको इस तरीके से चलाना है, ठीक है, इस तरीके से। और पूरे नीचे तक आपको अपने नीचे एंड पॉइंट में जाना, क्योंकि एंड पॉइंट का पोर्शन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस पूरे बेजान हो जाएंगे यदि आप इसमें ऑयलिंग नहीं करोगे तो। क्योंकि आपके जो आप जो खान पान करते हो या कुछ भी करते हो ना, तो आपके हेयर को इतना उतना पोर्शन फिर भी मिल जाता है, लेकिन नीचे वाले को बिल्कुल पोर्शन नहीं जा पाता है जड़ों से। तो इसी वजह से, जड़ों से बहुत दूरी होने की वजह से, इसको आपको और भी पोषित करने की जरूरत है। तो इस तरीके से आपको एंड पॉइंट में अच्छे से ऑयलिंग कर लेनी है, जब तक कि आपके एंड पॉइंट अच्छे से पोषित ना हो जाए। तो आप देख सकते हो कि ऑयल इस तरीके से पूरे अंदर अंदर भी जा चुकी है, आपको ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगी और आपके हेयर में अच्छे से ऑयलिंग भी होगी। कितनी ईजी है, बहुत ही टाइम आपका बचेगा इस तरीके से, यदि आप लेके इस तरीके से ऑयलिंग करते हो तो। सेम प्रोसेस आपको दूसरे साइड भी करनी है, इसके लिए आपको फिर से ऑयल लेना पड़ेगा, क्योंकि इस ऑयल से तो होगा नहीं ना। थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में हम ऑयल ले लेंगे और इस तरीके से फिर हम कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके।
से आपको पूरा सेम प्रोसेस इस तरह से पंजों को फैलाकर इस तरीके से कर लेना है और एंड पॉइंट पे बिल्कुल मिस मत करना, तो उसमें भी आपको ऑयलिंग कर लेनी है। तो जी हाँ, इस तरीके से आप देख सकते हो कि मेरी कितने इजी और कितने फास्ट तरीके से ऑयलिंग हो चुकी है चारों तरफ से, देख सकते हो। तो इस तरीके से आप जरूर ट्राई करना, पर टाइम बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ऑयलिंग कर ली, ठीक है। अब है कि पीछे, अब पीछे बच गया है, तो इसके लिए मैं फिर से ऑयल ले रही हूँ। सो गाइस, इस तरीके से आप करते हो तो आपका मसाज भी साथ साथ में होते रहता है। तो पीछे में आपको इस तरीके से अंदर हाथों को पंजों को फैलाकर इस तरीके से, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से अंदर अंदर कर लेनी है। सो इससे पूरी ऑयलिंग आपके अंदर जड़ों तक चल जा रही है। तो इस तरीके से आपके बाल भी कम उलझ रहे हैं और साथ ही साथ आपको ऑयल का ही पूरा फायदा मिल रहा है। और मसाज कर भी आपके साथ साथ जब ऐसे ऐसे करते हो ना, तो आपको मसाज वाला तरीका भी सेम आपको पूरा हो जाता है। जैसे कि आपको बस लास्ट में बस इस तरीके से आप 2-3 बार कर लो ऑयलिंग है हाथों से ही, तो इससे आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी गाइस। तो इस तरीके से आपने कर लिया, हो गया ना, अब हमें एक भी हेयर में ऑयल नहीं छूटे और मसाज भी अच्छे से हो जाए। इसी वजह से हम क्या करेंगे, एक तरफ सारे हेयर को ले लेंगे, ठीक है, और हम ऑयल ले लेंगे। तो ऑयल भी हम ज्यादा मात्रा में ही लेंगे और उसके बाद हम इस तरीके से पूरे हेयर पे पंजों को फैलाकर इस तरीके से ऑयल कर लेंगे, ठीक है। देख सकते हो चारों तरफ मेरी ऑयल हो चुकी है। अब देखो पूरी ऑयल पहले हो चुकी थी, तो हम एक टचअप देने के लिए फिर से कर लेंगे। तो आप देख सकते हो, और इस तरीके से आप करते हो, यदि आप पंजों को इस तरीके से करते हो ना, तो आपका मसाज भी साथ होता है। ऐसे ऐसे करते ना मसाज आपका होता है और ना आपके हेयर की ग्रोथ बढ़ती है। तो इस तरीके से आप कर लो, तो देख सकते हो मेरी मसाज ऑयलिंग दोनों ही कंप्लीट हो गई है गाइस। और आपको मैं दिखा रही हूँ कि सारी ऑयल अच्छे से लग चुकी है। तो आपके लाइफ के 5 मिनट कितने महत्वपूर्ण होते हैं ये आपने देख लिया। फिर से मैं यहाँ पर आपको पार्टीशन कर रही हूँ। सो गाइस, फिर से आपको एक बस पार्टीशन कर लेना है। देख सकते हो मैं पार्टीशन करके दिखा रही हूँ कि ऑयल चारों तरफ से हो चुकी है। तो ये आपको सप्ते में 2 बार करना है गाइस। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कॉम करके, मोटे दार वाले कॉम से, कि हेयर बिल्कुल नहीं झड़ रहे हैं। तो गाइस, यदि आपके लंबे हेयर है, शॉर्ट हेयर है, लेकिन आपके उलझते जा रहे हैं, तो आप मोटे वाले दांत के कॉम यूज़ करो। आप देख सकते हो मैं यहाँ पर कॉम कर ले रही हूँ। तो देख सकते हो कि यहाँ पर कॉम भी अच्छे से हो गया और एक भी हेयर नहीं झड़े गाइस। तो इस तरीके से यदि आप हेयर को कॉम करने के बाद ऑयलिंग करते हो, तो आपके हेयर कम झड़ते हैं। इसके बाद आप वॉश कर लो सिंपल, और आपके हेयर हेल्दी स्मूथ हो जाने वाला है। जी हाँ, तो ये जरूर ट्राई करना, और ट्राई करके मेरे कमेंट बॉक्स में बताना आपको कैसा लगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते हैं और साथ साथ फन वीडियोज मिलते हैं। तो चेकआउट दिस।